देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि आज जो तमाम मुख्यमंत्रियों से बात हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी के, उसमें कई तरह के संदेश आए। ज़्यादातर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि थोड़ा लॉकडाउन में कुशन हो, पूरी तरह लिफ्ट हो या ना हो, एक रास्ता निकाला जाए। कुछ चाहते हैं कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाए। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी समय के तौर पर जब उनके पास अब डेटा है तो वो निर्णय लेंगे, लेकिन हमारा मानना है कि आज भी बातचीत में जो चीज़ें हमें थोड़ी परेशान करती हैं कि प्रवासी मजदूर जो लाखों लाख की संख्या में अलग अलग देश के हिस्से में हैं, मेरे राज्य के भी हैं, वो हमारी प्राथमिकताओं में उस रूप में नहीं आ रहे हैं जिस रूप में उनका अधिकार था एक नागरिक के रूप में, महज एक इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट के रूप में उनका जिक्र हो, ये उचित नहीं लगता। मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन के बाद 3 मई के बाद जो भी फैसला हो, उसमें इन वर्गों को आप कैसे राहत दे सकते हैं, इनके घर की अवधारणा तक आप इनको कैसे पहुँचा सकते हैं, वो आवश्यक है। वेस्ट बंगाल की सीएम उन्होंने डिसीजन लिया कि अगर कोई इंसान पॉजिटिव पाया जाता है तो वो सेल्फ क्वारंटाइन करे अपने घर में, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो है द पर्सन कैन होम क्वारंटाइन सर, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जिनको क्वारंटाइन नहीं किया जा सकता, गवर्नमेंट की अपनी एक लिमिट है। देखिए, कई राज्य में, कई जगहों पर ये पहले भी हुआ, सेल्फ क्वारंटाइन की बात हुई है। खास करके अगर मैं कहूँ तो जो सेलिब्रिटी लोगों में से कोविड पॉजिटिव के केसेस आए, उन्होंने तो सेल्फ क्वारंटाइन किया। मेरा मानना है कि कई राज्यों की एक क्षमता ही नहीं है कि अगर केस, भगवान ना करे, बढ़े तो कैसे मैनेज करेंगे। मैं समझता हूँ कि इसको एक वैकल्पिक विधा के रूप में, एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में इसे भी आजमाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ICMR का यूजिंग वो किट्स प्रोक्योर्ड फ्रॉम जो कि गुआंगजू से आई है, बायोटेक एंड जो है लेकिन जो डायग्नोस्टिक किट जो है जो वहाँ से है उसको वापस कर दिया जाए। मुझे याद है कि पिछले हफ्ते ही 2 दिन के लिए टेस्ट पे पाबंदी लगाई गई थी, क्योंकि गुणवत्ता में वो सही नहीं पाया गया, फॉल्टी पाया गया। जाहिर तौर पर अभी इस बात के विश्लेषण का वक्त नहीं है, लेकिन एक बार ये तो तय होना चाहिए कौन लोग इन्वॉल्व थे, किन प्रक्रियाओं का पालन हुआ, गुणवत्ता परीक्षण किस स्तर पर हुई, हुई भी या नहीं। क्योंकि 2 दिन तब रुके, फिर उसके बाद 2 दिन, मैं समझता हूँ कि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण वक्त हम जाया कर रहे हैं, और जाहिर तौर पर इसकी अकाउंटेबिलिटी थोड़ी फिक्स होनी चाहिए। ममता बनर्जी का एक और बयान है सर, कट शायद एक और चीज़ है कि MOHFW ये कह रहा है कि आर फाइट इज अगेंस्ट द डिजीज नॉट द डिजीज्ड, और उन्होंने पब्लिक से अर्ज की है कि इसको स्टिग्मेटाइज ना किया जाए। ये बात तो हम बीते कई हफ्तों से हम लगातार कह रहे हैं। हमारे यहाँ जब विमर्श बदला, कोविड पॉजिटिव कोई भी व्यक्ति हो सकता है, संक्रमण किसी पर भी हो सकता है, आप उसको अपराधी करके ना और मुश्किलें पैदा कर रहे हैं अपने लिए भी और उनके लिए भी, और तीमारदारी के लिए भी और दवा के लिए भी। मैं समझता हूँ कि ये एक महामारी है जिसका संक्रमण किसी को भी हो सकता है। आप उसको डेमोनाइज करें, क्रिमिनलाइज करें, यानी कि आप डिजीज से नहीं लड़ रहे हैं, डिजीज से लड़ने के क्रम में आप कई तरह की डिजीज को जन्म दे रहे हैं, और ये बात हम लोग 3-4 हफ्तों से लगातार आपके माध्यम से कह रहे हैं। लव अग्रवाल साहब का ये भी कहना है 96 केसेस इन 24 आवर्स सिंस संडे मॉर्निंग, आप कैसे देखते देखिए, हैं? मेरा मानना है कि आप एक तो हम अपनी आबादी को देखें, उस आबादी के ही बहुत सारे मायने हैं। दूसरा, प्रिकॉशन के नाम पर हमने एक लॉकडाउन किया। लॉकडाउन अपने आप में एक टेम्पररी रोड ब्लॉक सा है, वो भी पूर्णतः है या नहीं इसका कोई आधार भी नहीं आया, फिर भी हम उस एहतियात से हमें फ़ायदा हुआ। तीसरा, थोड़े थोड़े टेस्ट की संख्या बढ़नी शुरू हुई है तो आंकड़े थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन मुझे जो चीज़ सुकून देती है, राहत देती है थोड़ी, कि हमारी रिकवरी रेट इज़ मच बेटर कंपेयर टू अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। नीतीश कुमार साहब का सर एक बयान है, वर्कर्स को तभी ला सकते हैं जबकि सेंटर जो है अलाउ करें। नहीं, इसमें बहुत बड़ी चीज़ें हैं। सेंटर को सामने रख करके नीतीश कुमार जी, हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, कई राज्यों के मुखिया अपने माइग्रेंट वर्कफोर्स को, अपने स्टूडेंट्स को ले आए,
क्या मजदूर पैदल चल के बिहार नहीं पहुंचा अपने घर को ढूंढता ढूंढता। मैं समझता हूं कि महामारी में आप क्लिनिकल चीज़ों को तो इस्तेमाल करें कि क्लिनिकली अब लॉकडाउन है तो उसको सैक्रोसैंक्ट माना जाए, लेकिन थोड़ी मानवीय संवेदना भी आवश्यक है। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबसे घर पे रहें सुरक्षित रहें, तो ये सिर्फ उच्च मध्यम वर्ग के लिए नहीं है, उन निम्न आय वर्ग और उन मजदूरों के लिए भी है जिनका घर बिहार या अलग राज्यों में कहीं है। जहाँ वो काम करते हैं वो घर नहीं, वो ठिकाना है, जहाँ एक छोटे कमरे में 15-20 लोग रहते हैं। अगर इतनी सी बात हमारे नीति निर्धारकों को, मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों वगैरह को नहीं समझ में आ रही है, यानी हमारी प्राथमिकताएं बदल गई है, एक गणतंत्र के रूप में, एक मुल्क के रूप में।